मैं भी तैयार हो जाऊँ थोड़ा सा अपनी जोड़ी में खेल लूँ। क्यों फिर आप तो कह रही हैं हिंदी आता थोड़ा थोड़ा हमारे हमारे ऑडियंस को हाय बोले। फुल ऑन एंजॉय करती हुई अपने लॉन्ग ड्रेस के साथ एनिवर्सरी एंजॉय करती हुई बुर्ज अल अरब के पास। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आपकी बहन ना एक बहुत ही अच्छे सरप्राइज़ की प्लानिंग कर रही है और ये आपको भी लोग आज से नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ये इवेंट के पास ही, क्योंकि हमारी आ रही है एनिवर्सरी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी मैं एक इवेंट पर आई थी, सो मैंने सोचा जनाब मौके पे चौका मारा जाए। ये इवेंट सिर्फ गर्ल्स का था, गैलेंटाइन, और अभी जो है वलीद घर पे हैं, सो मैंने सोचा उनके लिए एक सरप्राइज़ मैंने लेना है। तो मैं सोच रही थी कब से उनके बगैर कैसे वलीद को कैसे नाम पता चले, क्या करूँ, कैसे होगा। सो फाइनली मैंने उनके लिए दो सरप्राइज़ अरेंज किए हैं। एक जो है वो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, अभी नहीं बल्कि जाके बताती हूँ, चले हम बस चलते हैं थोड़ी देर में, पहुँच जा रहे हैं अपने मॉल में। सेकंड सरप्राइज़ जो है ना आपको उस दिन वीडियो में पता चलेगा, और सेकंड सरप्राइज़ भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आप लोग खुद देखेंगे और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। सो चले जी चलते हैं, सबसे पहले मॉल चलते हैं। मैं इवेंट से फारिग हो गई हूँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और बस इवेंट में मेरा दिल तो नहीं था आने का, लेकिन मुझे इसकी वजह से आना पड़ा कि चलो इसी बहाने मैं ऐसे जाऊंगी और मैं ना वलीद के लिए वो सरप्राइज़ पे ले आऊंगी खुद ही जाके, वलीद को पता भी नहीं चलेगा तो चले जी चलते हैं, वहाँ पे जाके मिलते हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपनी बहन को सपोर्ट कर दिया करें ज़्यादा सारी। आई नो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें चाहते हो। ओके जी, सो चले जी चलते हैं। और अभी हम मैंने ले लिया है उनके लिए मोबाइल, कौन सा है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वो जो है ना वो मैक्स यूज नहीं करते, 14 प्रो मैक्स, और ये फुली फुली मेरी तरफ से है, लाइक माय ऑन मनी, हिज मनी माय मनी, बट माय मनी इज माय मनी, यू नो। तो ये मेरी तरफ से है अपने हस्बैंड के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट, और सेकंड गिफ्ट जो होने वाला है वो आप लोग हैरान रह जाएंगे, हैरान भी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो मैं चाहती हूँ आप लोग ब्लॉग में ही देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब। सो आई एम रियली एक्साइटेड उनको मैं कैसे सरप्राइज दूंगी, ओह माय गॉड। चलो जी देखते हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी है, और नो जब बीबी भी अमीर हो तो फिर मैं पूरा मजा आता ना जी। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये वन ईयर जो गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इट वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तला सबके नसीब अच्छे करे। तो चले जी, अब मतलब आज जो है ना वो 19th है, कल 20 है, परसों 21st है, ठीक है। सो हम लोगों ने अब वेट करना है 21st का, दो दिन अभी मैं जाऊंगी, इसको बैग में रखूँगी, इसलिए मैं बड़ा बैग बड़ा लेकर आई हूँ, इसमें मैं छुपा लूँगी आराम से। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा, मतलब अजीब सी गुरगुजी हो रही है, कितना अच्छा लगेगा उनको, उनके पास ऑलरेडी है बट अब तीन मोबाइल हो जाने, उनके पास दो थे अब तीन हो जाने, तो कोई बात नहीं मेरी तरफ से है। तो चले जी चलते हैं और वेट कर रहे हैं, तब तक ये वीडियो ऐसे ही है, हम छुपा के रखेंगे मोबाइल के अंदर। Assalamualaikum everyone and good afternoon, welcome to another vlog। आज हम जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारी है
क्या है क्या है, आप लोगों ने भी हमें विश करना है ज्यादा से ज्यादा। जिन लोगों ने हमें विश किया है उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। जो इंडिया से हैं उनको धन्यवाद, जो पाकिस्तान से हैं उनको शुक्रिया, जो किसी और कंट्री से हैं थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रीटिंग्स। तो बस अभी हम जो है, मैंने एक इवेंट प्लान किया है, बेगम को नहीं पता, तो एक उसके लिए गिफ्ट भी है, वो भी उसे नहीं पता, ठीक है। तो अभी वो रूम में है, उसको मैंने बोला था बेगम तैयार हो जाओ, तो बस एमीना कहीं पर घूमने फिरने चलते हैं। तो अब बस वो घूमने फिरने क्या है, वो है हम बुर्जुल अरब जा रहे हैं। ये उसको मैंने नहीं बताया, मैंने उसको कहा था आपके बस जा रहे हैं कहीं, मैं ना मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं पता कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैंने बुर्जुल अरब की बुकिंग करवा ली वहाँ के उसके आउटसाइड जो बीच है वहाँ पे, क्योंकि वो उसका दिल था फोटोशूट वगैरह करवाने का। तो बस अभी चले अंदर चलते हैं, तो देखते हैं बेगम क्या कर रही है, और बेगम को तैयार करते हैं और हम भी फटाफट से तैयार होते हैं और बस निकलते हैं बॉस, निकलते हैं बस। आ रहे हैं बेगम, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ओ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने किधर जा रहे हैं? कहीं है पता नहीं क्या था वो है। चले जी बस हम चलते हैं, अभी हम मैं भी तैयार हो जाओ थोड़ा सा, अपनी जुल्फें नखेल लूँ। क्यों फिर, आप तो कर रही हैं, मेरी जुल्फें जो उतर रही हैं थोड़ी थोड़ी, जो बाकी बच गई हैं उनको संभाल लूँ मैं। यहाँ पे बड़े बाल उतर रहे हैं, सही बात है। चलो जी फटाफट फटाफट फटाफट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, राजी वाजी होंगे, शादी वादी होंगे। शादी वादी मेरा जो है सलाम अभी हुआ है आप लोगों के साथ, और अभी जो है हम मतलब लाइक थोड़ी देर पहले निकले हैं, खांसी सही नहीं हुई है, फिर भी हम लूलो पीने के लिए निकल गए, स्कूल नहीं है। और हमें हम जो है ना, मैं आज तैयार हो रहे थे, मैंने पहले ड्रेस पिक किया अपना, ठीक है, उसके बाद जो है फोटोग्राफर ने हमें रेडी करा दी है, जो कि हमने शूट करना था अपना बहुत ज़बरदस्त था फर्स्ट एनिवर्सरी का। और आज सच यार ये तो बोला नहीं, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी बोल दी आपने, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, या हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू अस, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का, एडवांस में दुआओं का और प्यार का, इतने प्यार का जिन्होंने हमेशा प्यार दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। और बस आज बुरी हमारे साथ ये हुई है, हम तैयार श्यार तो होके आगे, ड्रेस मेरा बहुत प्यारा है, ये मैंने साथ भी लगाया हुआ है, फ्लाइंग ड्रेस है मेरा, ठीक है, टेल बहुत लंबी है, सो अब फोटोशूट का पता ही नहीं, उड़न पटोला, उड़न पटोला, ये उड़न पटोला। अभी देखिए हमारा फोटोशूट का क्या होता है, फोटोग्राफर ने तो डंडी करा दी है, मैं सेल्फी स्टिक साथ ले आई हूँ, और देखते हैं अब ट्राईपोर्ड के जरिए हम कैसा शूट करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, अपना एनिवर्सरी डिनर करने, या हाई टी टाइप करने, हाई जो भी है मुझे नहीं पता ना, डिनर प्लस हाई टी, शाम हो जाएगी, डिनर प्लस हाई टी, यस। चले जी वही करने जा रहे हैं, और बस दुआ करें शूट अच्छा हो जाए, मुझे बड़ा दुख लगा था इस चीज का, इंशाल्लाह शूट अच्छा हो जाए हमारा, तो बस चलते और मजा करते हैं, क्या हमारे हमारी ऑडियंस को हाय बोले ये वीडियो में, कैसे सब ठीक है, अभी गाना गाते जा रहे हैं, या गाना गाते जा रहे हैं, वी आर हियर टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, रियली, या थैंक यू, बच्चा नहीं आता है ना, या आता है हमारी लोकेशन आज की।
शूट तो थोड़ा थोड़ा हुआ है अभी, अभी हम घर जाकर देखेंगे कौन सा अच्छा आया है, पर अभी क्या हुआ खाना आया। क्या देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कैसे बुलाता है बीच, ये परिंदा है उसका, कहाँ गया? गायब हो गया, उसको बुला रहे हैं। अब रोएगा जब मना लोगे। प्रॉन्स बहुत ही गंदे थे, मैंने फर्स्ट टाइम ग्रीन खाए। ओह माय गॉड, इट्स परफेक्ट, बट प्रॉन्स की तरफ से मेरा दिल थोड़ा हो गया, लेकिन इट्स योर फेवरेट ड्रैगन फ्रूट। हाँ, ड्रैगन फ्रूट बहुत मजे का है, ये भी और ये वाला भी। चले कोई बात नहीं, हाँ होता है कभी कभी, हाँ छोटे छोटे शहरों में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यस, तो देखिए आ गया उसके पास। ज़्यादा लोग कर रहे हैं ये, जैसा कुछ करे, कुछ सोचे। वो देखिए क्या कर रहे हो, इंशाल्लाह अभी तो नहीं। का ड्रेस पहना है ना, हाँ अभी तो कुछ ना, जो मैंने आप लोगों को उसने बताया था ना, वो सरप्राइज देने का टाइम आ गया है। क्या बताया? और इनकी बेगम दो सरप्राइज दे, ठीक है, और देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी अभी जो है ना वो वेटर से वो बुला लिया, देख तो लिया, लेकिन इनको पता नहीं चला शायद अभी, लेकिन मैंने वेटर से क्या, सो चले जी अब देखते हैं इनको क्या मिलता है दोनों सरप्राइज में अपनी वाइफ की तरफ से। ठीक है, तो जनाब पहला गिफ्ट मेरी तरफ से वो है ये ले आपके लिए। ये ले, ये क्या हुआ, सकते भी आ गए। मुझे लगा अंदर में जूते हैं। जूते कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खोले जरा क्या है। ये तो वाकई एप्पल है, ये तो वाकई एप्पल है। अभी दूसरा गिफ्ट भी सब iPhone 14 Pro Max। नहीं मैक्स नहीं है, मैक्स आपको अच्छा नहीं लगता था ना। हाँ वो ही चले, इसलिए मैक्स नहीं लाई मैं।
आपके जैसा हो गया मेरा भी। हम दोनों का सेम सेम होना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। ओके, और सेकंड गिफ्ट भी बताऊं आपको साथ में? सेकंड गिफ्ट भी बताऊं? क्या है? आपकी वाइफ आपको लेके जा रही है बाली। बस मैंने चुपके वीजा लगवाया है। फुली स्पॉन्सर्ड फ्रॉम योर वाइफ। फुली स्पॉन्सर्ड लग गया। हाँ इसमें से आपको एक भी खर्चा नहीं करने देना इसलिए। हाँ फुली स्पॉन्सर्ड है। ऑफर को अगर देखे आपका कोई बात नहीं कहा ना, ऑफर कैंसिल हो जाएंगे, देख लें। कोई बात नहीं, आपके पैसे मेरे पैसे ही है। आपके पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे, आपके पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। नहीं, क्या फर्क हुआ? मेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। नहीं नहीं, वापस करें, वापस करेंगे, चलें वापस करें। हाँ मैं अपनी खुशी से लिए, अपनी मेहनत की कमाई से, अपने गुस्से के लिए। छोटे से तोहफा है, दो छोटे से दो तोहफे मैंने लिए। ये भी कुछ नहीं है आपके आगे, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरा जो प्यार है एक्सप्रेस करने के लिए भी इतनी सी चीज भी नहीं है। I love you so much. Thank you. I love you too. I love you more than anything. Thank you. अबू बस की पीते हैं। आपने ना भी दिया हो, खैर बहुत कुछ दिया आपने हमेशा। इस बार मैंने दे दिया तो फिर क्या हुआ? नहीं कोई बात नहीं। आपने आपने कहा ना, आपने तो हमेशा दिया। ये तो फिर गलत बात होगी। कोई बात नहीं। नहीं मैं तो फिर रह गया। ये अब ट्रेंड खत्म हो गया ना। अच्छा कौन सा ट्रेंड खत्म हो गया? ये लेने देने वाला, हस्बैंड का ही देने वाला। आपको लगता है कि मैं पीछे रह सकता हूँ? किधर की क्या मतलब? आपको लगता है आपको लगता है कि मैं पीछे रह सकता हूँ? What you mean? क्या मतलब बोली? क्या मतलब? बस मतलब क्या? अभी देख लेते हैं। क्या मतलब? आपका बंदा पीछे नहीं रह सकता पहले जितनी तो मर्दी। क्यों? जितनी मर्जी तो बीते खराब हो, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, आपका बंदा पीछे। इनको दे यार आप इतना। क्या मतलब? ओह माय गॉड, ये पकड़ाएंगे इनको। वन विद द लैंडस्केप एंड वन विद द हम कभी पीछे नहीं झुकते है ना।
देखें जी, बेगम फुल ऑन एंजॉय करती हुई अपने लॉन्ग ड्रेस के साथ एनिवर्सरी एंजॉय करती हुई बुर्ज अल अरब के पास। पिक्चर्स आप जो है वो इंस्टाग्राम पे देखिएगा और व्लॉग जो अभी उड़ नहीं रहा हमारा ड्रेस ना, उसके हमने पर काट दिए हैं ड्रेस के। नहीं मैं उड़ा के दिखाऊं, भागे जरा भागे थोड़ा सा। ये अब उड़ गया जी, अब उड़ गया हमारा ड्रेस, थोड़ा गीला हो गया। तो अभी हम जो है वो यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके फारिग हुए हैं। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना नाम लिख दें। क्यों बेगम? यस है, फाइनली फाइनली जी पत्थर मिल गया बेगम को, अब हम यहाँ पे लिखते हैं। इतनी जल्दी एक साल गुजरा, यकीन करें ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। सही बात, तो पता है। नहीं कैसे बूढ़े हो जाना है। अच्छा शुक्र है हमारा एनिवर्सरी मिट गया है। पता नहीं जी कब बूढ़े हो जाना है, कब कितना साथ लिखा हुआ। तो प्लीज प्लीज ये विनती है मेरी तरफ से आप सब लोगों को कि जो लड़ते हैं, जो जो मर्द हजरात अपने आप को मर्द समझते हैं और सिर्फ बीवियों पे हुक्म चलाते हैं, कहते हैं कि ये करो वो करो, वो बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है, शाम को जब आते हैं तो वो कहते हैं जी मैं थका हूँ, मैं घर के काम, मैं बाहर के काम करके थका हूँ। बीवी कहती है जी मैं घर के काम करके थके हूँ। दोनों खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए करम अपनी जिंदगी को तबाह ना करें, अपनी जिंदगी को मर्द हजरात मर्द बनने की कोशिश ना करें, अपनी जिंदगी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर समझ के अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, हर इवेंट को एंजॉय करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें। प्लीज प्लीज फॉर गॉड से एक दफा मर्द की कैटेगरी से बाहर निकल के देखें, आपको पता चलेगा दुनिया बहुत ही खूबसूरत और शादी कितना एक खूबसूरत रिश्ता है और कितना आपको मजा आएगा जब आप उस मर्द पुना से कि जी लोग क्या कहेंगे जी ये मेरी इज्जत है या ये मैं मर्द हूँ, वो उसको आपसे ज्यादा इज्जत करवानी आती है या करनी आती है अगर आप करवाने वाले हो तो। तो इसलिए प्लीज 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 फॉर गॉड से ये देखें, ये मेरी हाथों की तरफ देखें, यकीन करें जिस तरह से पूरा साल गुजर गया ना, मैं हैरान था सोच रहा था अभी वो स्टोरीज पे जो है ना वो नजर आ रही है, वो जो एक साल पुरानी जो स्नैप्स होती है ना वो मेमोरीज शो हो रही है, तो यकीन करें ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात है, अभी कल की बात है। तो लिटरली लिटरली ऐसे टाइम गुजर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कब आपने लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार लेनी है या हंसी खुशी गुजारनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए प्लीज मेरी तरफ से तो ये जो है ना आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप छोटी सी जिंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय करें, जो आपके पास है ना बेशक कम है या ज्यादा है, जितना आपके पास है उसमें दोनों खुश रहें और उसी में कहेंगे यार ठीक है आज हमारे पास दाल है ना, क्या करें, दाल के ऊपर बेशक वो कैंडल रखते हैं साइड पे थोड़ी सी, बेशक माचिस है रख के आग चला के रख लें,
इंजॉय करने वाला होना चाहिए वो अपने उतने रिसोर्सेज के अंदर भी उस मोमेंट को इंजॉय कर लेता है। मेन चीज होती है आपने अपने मोमेंट को इंजॉय करना है, किस तरह से करते हैं आप दोनों। तो प्लीज प्लीज खुदारा अपने जो है ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम दें, स्पेंड करें और छोटे छोटे मोमेंट, छोटी छोटी खुशियां जो है वो इंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ शायद मेरी ये थोड़ी सी तकरीर आपको, अगर मर्द हजरात को स्पेशली अगर समझ आई हो, तो आप किसी की भी अगर जिंदगी बदल गई तो प्लीज मुझे, मेरी बहन जो है बहने, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।